गाइस ये चेक करें, इसका आंखें देखिए, इसका आंख तो हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो हम आ चुके हैं होम टाउन से गुवाहाटी के लिए। इसका सफ़र आपका लगभग 350 समथिंग होगा, और टाइम की बात करें तो 6 से 7 आवर्स हमको लग गया है जोरहाट से गुवाहाटी आने के लिए। तो हम लोग गुवाहाटी आ चुके हैं, फिलहाल रूम में हैं अभी फिलहाल। तो गाइस यहाँ पे देखने के लिए बहुत जगह है, जितना हो सके दिखाने की कोशिश करूँगा। जू वगैरह जाएंगे हम लोग, जू देखेंगे और एक्वालाइन का भी प्लान। गाइज हम लोग जुआ आ चुके हैं फाइनली, वो दिखाएंगे अभी। वो देखो ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वही है, दो बैठा हुआ है गोरिल्ला का जैसा। खेलने कूदने का पार्क है, उसके बाद बहुत जगह है यहाँ पे दिखाने के लिए। ये चेक कर गाइस, उषा यूनिकलर क्या नाम है। मंकी फर्स्ट, सेकंड जिराफ, थर्ड जिराफ, सेकंड पे कुछ नहीं है। प्लीज डोंट फीड द एनिमल्स, जानवरों को खाना खिलाना मना है। यहाँ पे परिंदा, ओह देखो ये चेक करो गाइस। ये देखो गाइस यहाँ पे बर्ड का सेशन है पूरा, ये ईगल बाबा है, और यहाँ पे बहुत सारा बर्ड्स था पहले, अभी तो फिलहाल ये हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल देखो गाइस, और ये पैरट का ही कुछ प्रजाति होगा शायद, बहुत सारे थे पहले, अभी थोड़ा कम हो गया है। और यहाँ पे भी एक ये हॉर्नबिल है, या जिसका नाम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरिएंटल कुछ है हॉर्नबिल, ओरिएंटल पायर हॉर्नबिल। और आगे देखते रहिए, और भी यहाँ पे ये देखो गाइस कितना, मतलब बहुत सारे कलर का बर्ड्स है यहाँ पे, नाम भी लिखा हुआ है। तो देख सकते हो आप लोग, हम लोग ने एक गाड़ी ले लिया है फिलहाल, गाड़ी लेके हम लोग पूरा घूमने के लिए चले, मतलब वहाँ पे। तो गाड़ी का रेंट पर हम लोग को 50 रुपीज़ पर पर्सन, एक गाड़ी में 6 या 8 बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं भाई, देख सकते हो आप लोग। और हमारी नॉर्थ ईस्ट के जू के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट जू है नॉर्थ ईस्ट में, और ये जू के अलावा बोटानिकल गार्डन भी है, जो हम लोग बोल सकते हैं आसाम स्टेट जू एंड बोटानिकल गार्डन। सो देख सकते हो आप लोग, इसका ज़मीन की बात करो, लैंड की बात करो, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 4,32,432 एकड़, बहुत बड़ा ज़मीन है। और इसके बात करो तो इसका इस्टाब्लिश हुआ था 1957 में, तो बहुत सारे बहुत सारे बंदे को ये पता नहीं होगा कि कब जू इस्टाब्लिश हुआ था, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, सोचा बता दूँ। बहुत सारे बंदों को पता भी होगा, बहुत सारे बंदों को पता भी नहीं होगा। तो गाइस मेरे साथ बढ़ते रहिए, और इस गाड़ी का बहुत फ़ायदा है गाइस, आप लोग अगर आओ तो पैदल बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है चलने में, तो गाड़ी बेस्ट है सोल्यूशन। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 6-7 गाड़ियाँ हैं, तो आप आराम से घूम सकते हो, पूरा जू का मज़ा ले सकते हो गाड़ी में उठ के। तो देख ही सकते हो आप लोग, देखो तो देखो इस हो गया।
चीता तो सो रहा है भाई। चीता उठता ही नहीं है, चीता उठाने की कोशिश किया लेकिन नहीं उठता है भाई। तो एक ही चीता है शायद, आप लोगों को दिखा नहीं पाया अभी। तो बाद में चीता उठ गया, उसको कैसे पता चला पता नहीं, हम आए हैं तो चीता उठ के ऐसे भाग रहा है। देखो कैसे राउंड 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 घूम रहा है ऐसे। तो देखो अभी क्या देखेंगे पता? पसीना पसीना हो गया गाइस चीता के चक्कर में। अभी लायन देखेंगे, लायन लो जा, आयरक लो जा, लायन देखो, लायन आयरक लो जा। राजा को देख सकते हो कैसे जा रहा है, उसकी गति देखो कितना स्लो है, फिर भी वो राजा है। देखो अभी टाइगर का बारी है, टाइगर टाइगर देखेंगे। आप लोगों को चीता भी दिखा दिया, अभी लायन दिखाएंगे। और हालत देख सकते हैं आप लोग कितना बुरा हो गया है, पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा गर्मी है और इतना ऊपर ऊपर है दिखाई नहीं पा रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोग से। गाड़ी आ रहा है हमको लेने के लिए, ये खरीद लिया है हमने कुछ। वहाँ पे भी एक है, वो देखो वो छुपा हुआ है, वो डॉन है इस गैंग का, इसलिए उसको अलग रखते हैं। उसके उस पार वो रहता है, इसके इस पार वो देव रहता है, उनका पार्मेंट घर है। ऐसा अभी जो देखने वाले इन इसका हरकतें तो मतलब क्या बताऊँ। इसको देखो गाइस, इसको देखो गाइस, देख रहे है? आवाज सुन रहे, उसका गुस्सा आ रहा है। देखो इसको गाइस, आ जा आ जा आ जा, देखने में एकदम मासूम है लेकिन गुस्सा भी बहुत आता है इसका। तो इसका आवाज सुन पा रहे आप लोग, मतलब क्या आवाज निकल रहे हो कर रहा है। और वहाँ पे क्या है दिखाता हूँ, और देखिए ये चेक कर गाइस, ये चेक कर इसका रूम रूम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार दे। कितना आराम से देख रही है, इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को इसका, लेकिन इसका अंडा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा इसका अंडा होता है। ओ हम लोग ऊँट पोखी बोलते हैं इसको, ऊँट पोखी आसाम में। और भी चीज़ है आपको दिखाने के लिए, देखो वो देखो भाई ये है, हम लोग आसाम इसमें इसको हियाल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, देखना पड़ेगा। जैकल तो आप लोगों को मैंने अभी ऑस्ट्रिच भी दिखा दिया है, और उसके इसके बाद आप लोगों को स्नैक्स दिखाएंगे, स्नैक्स जो ये वालों तो भालू मिल गया गाइस, भालू ये देखो, और एक भालू है इसको देखो, ये भालू आ बिलोंग, आ आ आ आ जा आ जा आ जा
अच्छा ठीक है, ये हरिन देखो गाइस बाघ है। तो वेलकम टू रेप्टाइल हाउस, रेप्टाइल में आपका स्वागत है। यहाँ पे सांप है ही नहीं। अरे ये देखो गाइस, सांपों के लिए जगह बना के रखा है सरकार ने। वाओ वेरी अमेजिंग, डबरे वाला क्या ये? ये अजगर सांप है देखो। तो बाय बाय जू, बाय बाय गाइस। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है यहाँ, 37-36 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। तो क्या ही बोलूँ आप लोगों को, मैंने मतलब मैंने आप लोगों को पूरा जू दिखा दिया है, पूरा दिखा दिया। एलिफेंट और राइनो आप लोगों को मैंने नहीं दिखा पाया, मतलब वहाँ पे है ही नहीं, आपको कैसे दिखाऊँ, मैंने खुद नहीं दिखा। उसके बाद गर्मी देख सकते हो आप लोग कितना है पूरा, मतलब। और कभी ठंड के महीने में आएंगे, उसके बाद पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। मैंने बोटानिकल गार्डन नहीं दिखा पाया। और वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा मतलब कौन सा एनिमल आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपका भाई को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है इस फील्ड में मैं नया हूँ, तो कैमरा मेरा ख़राब है भाई, और हिंदी मेरा आप लोगों को पता है एकदम ख़राब है, तो समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, लव यू गाइस। फिर कभी आएंगे तो पूरा दिखाएंगे, जो अभी तो पूरा ही दिखा दिया जा आपको, एक फुल एपिसोड दे दिया आपको जो जो से लेके। और यहाँ पे एक बंदर रहता है, काला बंदर, आज नहीं निकला है शायद। हर स्टेट में जू होता है, और आसाम का जू मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि जू में क्या क्या है। और नया कुछ लाया है बोल रहा था, जेब्रा और जिराफ, तो अभी घर में घुसा हुआ है, इतना बुलाया वहाँ मेरे भाषा उसको समझ में आएगी। और यही बस, अभी हम भी जा रहे हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको और एक ब्लॉग में। तब तक आप लोग वेट कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।